तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया करनाल लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा के पक्ष में लोगों से समर्थन मांगने के लिए पानीपत पहुंचे और इस दौरान दीपक बाबरिया ने दावा किया कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीतेगी। वहीं तीन चरण में हो चुके चुनाव को लेकर दीपक बाबरिया ने बड़ा दावा किया कि देश में मोदी की सरकार जा रही है और कांग्रेस आ रही है। दीपक बाबरिया ने कहा कि पहले लोग कांग्रेस के प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा को कमजोर प्रत्याशी बता रहे थे, लेकिन बुद्धिराजा मजबूत उम्मीदवार हैं और करनाल लोकसभा से मनोहर लाल की हार निश्चित है। इसको एक मिनट भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है, और जो है उनको अपना बहुमत दिखाना चाहिए। गवर्नर शुड ऑल्सो कंपेल देम, उसको बताना चाहिए कि भाई आप प्रदर्शन करो कौन से MLAs के समर्थन से आप सरकार में बैठे हुए हो, और वो प्रदर्शन के लिए भी जो 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 उसमें से नतीजा बाहर आता है उसमें उसके फ्लोर टेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हाउस के टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। गवर्नर के सामने जो है प्रदर्शन करके अपने जो है टेस्ट करवा दें, और उसमें जो नाकाम होते हैं तो संवैधानिक जो कुछ भी जो परिस्थिति बनती है उसके तहत आगे के कदम उठाए। हाँ, लगा रहे थे मुझसे, किसी आप जैसे पत्रकार ने पूछा भी, जो अपने जो लोग इसी प्रकार की हरकतें करते रहते उसके मन में सबसे पहले विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं, और जब ही इनको जो दिव्यांशों को दिया था, जो दिव्यांशों को पहचानते हैं, एक होनहार लड़का, एक बड़ा आक्रामक लड़वैया है, तो सभी लोगों ने उसका समर्थन किया था, दिल्ली में भी पूरा हाईकमांड ने भी किया था, और मैंने इनको लगातार एक साल से काम करते हुए देखा था। तो आज जो है शुरू में जो कह रहे थे कि ये लड़त नहीं दे पाया था, आज आप ही के कोई पत्रकार साथी ने कहा कि वो सट्टा बाजार के 50 के हक पर पहुंच गया।